वेलकम बैक। इससे पहले आपने फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखा था, जो स्टेट करता है कि x में एक पॉलिनोमियल p के लिए अगर x माइनस a पॉलिनोमियल p का एक फैक्टर है तो a पर इस पॉलिनोमियल p की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, और अगर a पर इस पॉलिनोमियल p की वैल्यू जीरो है तो x माइनस a इस पॉलिनोमियल p का फैक्टर होगा। तो क्या हम इस फैक्टर थ्योरम को पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। एक सिंपल से केस से शुरू करते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर्स होंगे। मान लेते हैं कि वो दो फैक्टर y माइनस a और y माइनस b है। अब अगर हम इन दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट को ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 5 और a टाइम्स b इज इक्वल टू 6। यहाँ आप a और b के प्रोडक्ट और 6 के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं, जो ये है कि a और b पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स हैं, जो इस केस में 6 है। हमें पता है कि 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2 और 3। तो ट्रायल और एरर मेथड से हम इस फैक्टर्स को y वाले पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्लस 1 को ट्राई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन पर p ऑफ 1 होगा 2। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए y माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब p ऑफ 2 को कंसिडर करते हैं। सिंप्लीफिकेशन पर हमें वैल्यू मिलेगी 0। तो फैक्टर थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि y माइनस 2 पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का फैक्टर है। इसी तरह y माइनस 3 पॉलिनोमियल का एक और फैक्टर है। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हुए y माइनस 2 और y माइनस 3। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए मिडिल टर्म को ना स्प्लिट करके फैक्टर थ्योरम का यूज क्यों कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आंसर हम जल्दी ही करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 के फैक्टर्स निकालने हैं। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं निकाल सकते, तो हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके इस पॉलिनोमियल का कम से कम एक फैक्टर तो निकाल ही सकते हैं। क्योंकि माइनस 120 इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, हम उसके सारे फैक्टर्स को यहाँ लिस्ट करेंगे और हमें p ऑफ 1 मिला 0। इसका मतलब है p माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया, पर अब बाकी के दो फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे? वेल, एक तरीका तो है कि हम इस ट्रायल और एरर मेथड को ही कंटिन्यू करते रहें, पर इतने सारे फैक्टर्स के साथ ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर x माइनस 1 और एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में दोबारा लिख सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम p ऑफ x को लिखेंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120। याद रखिए, हमने p ऑफ x को ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम x माइनस 1 को कॉमन ले सकें और दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कर सकें। तो x माइनस 1 को कॉमन लेके p ऑफ x हमें मिलेगा x माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन पर हमें मिलेगा x माइनस 10 टाइम्स x माइनस 12। तो फाइनली ओरिजिनल पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हुए x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 10 टाइम्स x माइनस 12। इस तरह से फैक्टर थ्योरम हमें कोई भी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने में हेल्प करती है। चलो अब हमने जो भी सीखा है उसको समराइज कर लेते हैं। हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिग्री 2 और 3 वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले। अभी के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।